गेम 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 में आ चुका है ब्लू आर्टिक बंडल। तो ये अपन के पास ऑलरेडी है, तो ये दिखाने वाला नहीं हूँ मैं आप लोगों को। एक खतरनाक सा चीज दिखाने वाला जो कि मेल बॉक्स के अंदर है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, ये देखो भाई कुछ खतरनाक, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा ये क्या है, बट आपको समझ अब आएगा। रुका, ये देखो, ये है M1014 की स्किन, यानी कि हमारी शॉर्ट गन की स्किन, जिसमें हमको एट्रीब्यूट्स में देखने को मिल रहा है रेट ऑफ फायर डबल, आर्मर पेनिट्रेशन भी, और मूवमेंट स्पीड ओनली स्लो है। ये कैसा है क्या है वो आपको मैं अपग्रेड करके बताता हूँ, ठीक है। और इसी के संग संग हम लोग गेम प्ले भी करेंगे, तो पहले ही लाइक बटन पे सब लोग दबा दो, ठीक है। चलो तो अभी हम ये ईवो स्किन शॉर्ट गन की है, बट 2.2 ईवो स्किन नहीं, क्योंकि शॉर्ट गन की ईवो स्किन पहले आ चुकी है, आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सेकंड स्किन है ईवो स्किन की, ऐसा कुछ। चलो अपन के पास ऑलरेडी टोकन है, तो दिक्कत वाली सीन नहीं है अपग्रेड करने के लिए। ओके, ऐसे नया इंटरफेस है यार अपग्रेड करने का, ये नहीं हुआ क्या है, तो मेरे पास पहले है। अपग्रेड कर रहा हूँ मैं, ओ कैसे ऐसे हो रहा है, हो रहा है, लेवल 2 का हो गया। लंबा लंबा सा है ना थोड़ा है, देखो पतला लंबा सा शॉर्ट गन सेकंड लेवल का हो गया। अब थर्ड लेवल में ओके एनिमेशन आएगा थोड़ा सा किल, ये बात। और फोर्थ लेवल में रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगी और आर्मर पेनिट्रेशन भी एक बार बढ़ जाएगा। इसका फाइनल लुक देखने में मजा आएगा दोस्तों, फाइनल लुक कैसा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ लेवल हो चुका है, फायरिंग इफेक्ट है, ओके फायरिंग इफेक्ट ऐसा दिखेगा फिफ्थ लेवल पे। अबे 8 लेवल तक है ये, तो पहले का 7 लेवल तक होता था ना, 8 लेवल तक है, अलग लेवल का है। और 6th लेवल हो गया, अब 7th लेवल में इमोट मिल रहा है अपन लोगों को, पहले 6th शायद 6th में मिलता था, मैं रॉन्ग हूँ कि राइट हूँ आप लोग बता देना। ये इमोट क्लेम कर लेंगे, ये क्या है, अरे बाप रे अलग लेवल का लुक है वे, शॉटगन जैसा भी नहीं लग रहा है, ऐसा बिच्छू जैसा लग रहा है। हाँ अबे बिच्छू सच में, स्कॉर्पियो लिखा है ना इसीलिए। और इसी के साथ साथ ये क्या है, स्पेशल ओरिजिनल प्ले ओरिजिनल फायरिंग साउंड, ये ओरिजिनल साउंड है, अरे ये साउंड अच्छा है, हम साउंड भी चूज कर सकते हैं। वाओ रिलोड देखो कैसे खतरनाक वे में हो रहा है। फाइनल शॉट, फाइनल शॉट, अगर एक गोली लास्ट का गोली लगता है ना ऐसा होता है। और अपग्रेड कर लेते हैं 8 लेवल का भी दोस्तों, भयानक यार भयानक है ये शॉट गन तो भाई, इसे गेम प्ले करना ही पड़ेगा। चलो अभी हम लोग जाएंगे गेम के अंदर और इसके संग गेम प्ले करेंगे, बट उससे पहले आप लोग लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैंने अपग्रेड क्लेम कर लेता हूँ, बाप रे अलग ही लेवल का लग रहा है। ओके आप लोगों के लिए मैं ब्लू आर्टिक बंडल भी पहन लेता हूँ, ये देखो दोस्तों ऑलरेडी था अपन के पास ब्लू आर्टिक बंडल और पेन भी लिया आपको। अभी हम सड़गन के साथ गेम प्ले करेंगे, सोलो वर्सेस स्क्वाड में प्ले कर चुके हैं, और किस किस को ब्लू आर्टिक बंडल या ये शॉटगन, ये दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट इज अ मैप, इसमें ऑलवेज इंटेलेक्चुअल सेंटर पे उतरने का मन करता है भाई लोग। अच्छा गेम में आ चुके हैं शॉटगन के साथ खेलने के लिए, और देख सकते हो ये जो है प्लेन की कलर भी सेम टू सेम उसी जैसा है। इंटेलेक्चुअल सेंटर उतरे या फार्मोटोपिया, अभी सही नाम लिया भाई, फार्मोटोपिया पे उतरते हैं ना। चलो और उतरते मेरे को शॉटगन मिलेगा कि नहीं ये अलग बात से, अलग सी बात है, अलग सी बात। रेड क्रिमिनल भी आ रहा है भाई इधर, हम जहाँ उधर ही रेड क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल जैसा दिख रहा है बट रेड क्रिमिनल नहीं है, और मेरा लैग स्टार्ट हो गया ऐसे ही लैग, देखो कैसन बात है यार, कैसन लैग है। अरे यार इधर की तरफ उतर जाते हैं क्योंकि हम उधर जा नहीं सकते, वो लोग ऑलरेडी उतर गए, हमारा ये जो है आगे पीछे ऊपर नीचे हो चुका है। और हम आशा करते हैं कि इधर हमको उतरते ही कुछ ना कुछ गन मिल जाए। वाह क्या बात है, फ्री फायर के सबसे बेहतरीन गन मिल चुका है इधर हमको फामस, और उसी के साथ MP40 भी, बट हो सके तो यार कट्टा मिल जाए, कट्टा बोल रहा हूँ, शॉटगन मिल जाए तो और अच्छी बात है। चलो अब अंदर की तरफ जाते हैं, हमला बोल देते हैं इनके ऊपर जो भी गन अपन के पास है। अबे किसी के पास इधर शॉटगन है लग रहा है, ओह
इधर बच गया रे वाइट ट्रिपल फो वाला, सबको मार दिया था यार, ये कहाँ गया पता नहीं, इसने बचा के उसको किधर घुसा दिया बे। अजीब लगा यार, गया किधर बे जाने के लिए, अजीब तरीके से बच गया बे वो शॉटगन वाला, ये एनिमी था वो। क्या हुआ कुछ समझ नहीं यार, इधर इतना जल्दी कहाँ भाग गया भाग गया। चलो इधर से हम लोग शॉटगन खरीद लेंगे, ये मिला हमको शॉटगन, एक लेवल अप कर लिया है शॉटगन को। अरे शॉटगन की गोली नहीं है, गोली भी तो चाहिए, गोली खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए रे दोस्तों। अरे कौन मारा रे गोली, ये साले पीछे से कहाँ से मारते हैं यार, ये प्रोटेक्शन तो चाहिए यार पीछे से बचने के लिए अपन को। किधर से मारा ये दिखाई नहीं दे रहा अभी। एक नॉक, एक और आगे की तरफ ही है, आगे की तरफ एक और भी दिखा था, ये भी नॉक, खत्म। देख लेते इनके पास अगर टोकन रहेगा तो कुछ खरीद लेंगे भाई, ये बॉक्स ओपन कर लेंगे आर्सेनल वाला घर, घर के लिए हमको 600 टोकन चाहिए। दूसरा वाला बंदे को भी मैंने मारा है तो उधर भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार, घुस के शॉटगन से मारूंगा सोचता हूँ, बट यार मेरे को घुसने नहीं देते, दूर दूर से लड़ाई कर लेते हैं, क्या करते बताओ, करे तो करे क्या। मेरे को एक दिमाग में आ चुका है आइडिया, खुरापाती आइडिया आ चुका है भाई लोग, क्या आइडिया बताए, ओनली मेरे को ये शॉटगन चैलेंज करना चाहिए, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में, करूँ कि नहीं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, अगर आप चाहते हो तो हम करेंगे, कमेंट करो कुछ भी कर दो। ओके को भयानक वाला वन टैप पड़ा भाई, जिसका कोई पार्टनर है कि नहीं, पार्टनर भी है, आ रहा आगे से, ऊपर चला गया भाई। चाल है मेरे को भी दिया धप्पा भाई, अभी तक एक टोकन भी नहीं मिल रहा है यार, क्या ही बताएं बताओ। शॉटगन स्टॉक, अरे अब और शॉटगन अच्छे से चलेगी बता, क्योंकि शॉटगन स्टॉक जो है शॉटगन के लिए बनी वाली है ना वो मिली है, ये क्या करता है कि आपका स्टेबलाइजेशन होता है ना वो मेंटेन कर लेता है, यानी कि शायद रिकॉइल कम होता है। मैं बन चुका हूँ ज्ञानी बाबा दोस्तों। अच्छा ये बंदा दिख गया दोस्तों, इधर ऊपर की तरफ है, इसको मैं शॉटगन से मारना चाहता हूँ तो ऐसे नहीं मारूंगा। कहाँ ध्यान है भाई, तुम तो वेट करके बैठे थे हमको मारने के लिए, ध्यान किधर है तेरा, ध्यान किधर है। एक और बंदा नीचे से आ रहा है, ये भी गया, सुनाई देता है दोस्तों हमको, हमारा हेडफोन है पता है। चलो जोन में चलते हैं, एक और बंदा दिख रहा है सामने की तरफ मेरे को, अंदर घर के अंदर चला गया है ये, पीछे की तरफ भी देखना जरूरी है। चलो इसके ऊपर, ओके ऊपर ही है, अभी भी ऊपर ही है, ऊपर ही है, अब रस कर सकते हैं शायद, अगर लैंडमाइन नहीं लगा हो तो, लैंडमाइन लगाया होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है अपन के लिए भी। ये ले भाई बॉडी शॉट में भी, ये शॉटगन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है दोस्तों, ACAT ले लेते हैं यार, क्योंकि इस कार में वो चीज़ है ही नहीं यार हमारे पास, हमको जो चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर भी बैटल हो रहा था सामने की तरफ, कोई ना कोई तो इधर भी होगा यार, ये बैकपैक हटाना है मेरे को। फूटता नहीं है बे ये, बाप रे, इधर भी बंदा है, वाओ अबे एनिमी सोचा था इसको भी, चलो मर जाओ ब्रो। इधर भी बंदा है, मेरे को फुटेज चिप्स आया, इसका भी हम कुछ ना कुछ तो कर देंगे। आगे है पीछे है कि नहीं पता नहीं, ये ले भाई, कभी कभार वुडपेकर का भी हेडशॉट तो देना चाहिए बंदों को है कि नहीं। इसको ऐसे छोड़ दूं और आगे बढ़ जाऊं, ओके एक और बंदा आगे की तरफ भाग रहा है, रुको भाई हम भी आ रहे हैं। शॉटगन अच्छा तो है यार, कुछ भी बोलो, मैं शॉटगन से उतना गेम प्ले नहीं करता हूँ, फिर भी आप देखो। Oh!
जल्दी पुर्जा वाल यार। क्या तो बचा भाई, मैं क्या तो बचा। अरे दादा रे, वे भाई कहां से वे? ले फिनिश। अभी तक लाइक नहीं किए होगे तो वीडियो को लाइक कर लो दोस्तों। ऊपर बंदा है, इधर से नीचे कूदेगा शायद। ये तीन बंदे हैं, एक बंदा ऊपर है, इतना पता है, कूद गया ये। किधर से मार रहा है बे? ये शायद ओरिजिनल लाइन से बच के आ गया बे, मरा हुआ आदमी भी। चलो लास्ट वाले बंदे के साथ वन टैप करते हैं, बट है किधर मेरे को भी पता नहीं। ओके, सामने की तरफ ही है वो, ये ड्रॉप के पीछे है शायद। हाँ, ड्रॉप के पीछे लास्ट एनिमी दोस्तों, और इसके बाद में हमारा बुया हो सकता है। आ रहा है बंदा, अरे हुआ, रस कर रहा है बंदा। ओए, वन टैप दिया, दो वन टैप दे दिया। अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के साथ। मेरे को M10 14 वनली चैलेंज करना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता के बता दो।